हेलो दोस्तों, ये रेडमी नोट 8 प्रो फ़ोन है। इसमें दोस्तों डिस्प्ले की दिक्कत है, देख सकते हैं आप। इसमें जो है डिस्प्ले जेब में रखने के कारण दब चुका है, इसका कॉप जो है वो डैमेज हो गया है। तो ये दोस्तों रिपेयर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉप डैमेज हो जाने के बाद लाइनिंग आ गया है इसमें, और जब ऐसी तगड़ी लाइनिंग आ जाता है डिस्प्ले में तो इसे हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम न्यू डिस्प्ले चेंज करेंगे। तो चलिए हल्की हल्की हीट दे देते हैं और पुरानी जो डिस्प्ले है उसे भी हम काम में लाएंगे, इसे तोड़ के उतारेंगे नहीं, इसे भी हम यूज करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पर होगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई सेम फ़ोन रेडमी नोट 8 प्रो आता है और वो वाटर डैमेज होता है, उसमें लाइट चली जाती है या वो डेड होता है, तो ये डिस्प्ले आपने चेक करके रख दिया कि ये डिस्प्ले मेरा सही है, इसमें लाइट आ रहा है, तो अगर उसमें डिस्प्ले गई होती है ये वाटर डैमेज के कारण, क्योंकि अक्सर फ़ोन जब वाटर डैमेज होता है तो उसमें डिस्प्ले चली जाती है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आती, फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो हम इस डिस्प्ले को उसमें लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले जो है वह ओके है या नहीं है, या तो हमारे फ़ोन में डिस्प्ले लाइट चली गई है। तो इसमें हम इस डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ग्राफिक देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ लाइट देखना होता है कि हमारा जो डेड सेट है उसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हमारा डिस्प्ले ख़राब हो गया। और तुरंत हमारे पास डिस्प्ले उपलब्ध भी नहीं हो जाता, क्योंकि आप अगर रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं से आप मंगाते होंगे, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए और सही टाइम पे यूज आने के लिए ये डिस्प्ले को आपको संभाल के रखना हो, इसलिए हम इसे संभाल के उतारेंगे, इसे डैमेज नहीं करेंगे और रखेंगे, भविष्य में ये हमें कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। तो चलिए हम इसे ओपनर से आराम आराम से चारों तरफ खांचे बनाते हैं और फिर इसे हम रिमूव कर लेंगे आसान तरीके से। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं और खांचे बना लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारा खांचे चारों तरफ बन गया, फिर ये डिस्प्ले आराम से उतर चुका है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और डैमेज भी नहीं हुआ। इस बीच में टेप लगा हुआ था जिसके कारण ये रिमूव नहीं हो पा रहा था चारों तरफ खांचा बनाने के कारण भी। तो देख सकते हैं ये डिस्प्ले जो है हमारा बिल्कुल आसान तरीके से उतर चुका है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, इसे हम भविष्य के लिए संभाल के रखेंगे। तो चलिए हमारा नया डिस्प्ले आ चुका है, इसे हम अब चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि डिस्प्ले जो है हमारा ओरिजिनल है, मतलब फर्स्ट कॉपी है, तो वो सेम है या नहीं है या अलग दिखता है, ब्राइटनेस में फर्क होता है, ये सब चीज़ हमें चेक करना है। बाकी तो देख सकते हैं आप, दोनों डिस्प्ले सेम है, किसी प्रकार की चेंजेस नहीं है, सेम पैकिंग है, पत्ते भी देख सकते हैं कि सेम पत्ता है इसका। तो चलिए हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ब्राइटनेस जो है वो ओके है या नहीं है, क्योंकि जहाँ से हमने ये फोल्डर लिया है वो उन्होंने बताया कि ये ओरिजिनल जैसा है, फर्स्ट कॉपी है, तो इसे हम चेक करेंगे और सर्टिफाइड होंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल जैसा है या नहीं है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से चेक करते हैं, फिर इसका पेस्टिंग करेंगे, फिर इसे पैक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल ओके है, ये हमने अभी पेस्ट नहीं किया है, फिर भी ये चारों तरफ ऐसे चिपक गया है जो फ्रेम में, जैसे लग रहा है कि ये पहले से चिपका हुआ हो, हमने नया नहीं लगाया है। तो दोस्तों इसकी फिटिंग बहुत बढ़िया है डिस्प्ले की, फर्स्ट कॉपी में क्या होता है कि बहुत बढ़िया फिटिंग होती है, फ्रेम के साथ ऐसे अटैच हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने चेंज करा है। जैसे कॉपी लेते हैं तो फ्रेम में वो सही से बैठ नहीं पाता है, तो टूटने का ज़्यादा रिस्क होता है, और टच भी फास्ट वर्क नहीं करता, थोड़ा स्लो वर्क करता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट कॉपी लगाएंगे, तो इसमें हमारा फ़ायदा होगा, टच हमारा रुकेगा नहीं बीच बीच में, और हमारा लाइट जो ब्राइटनेस होगा वो भी काफ़ी बढ़िया होगा। तो चलिए हम बैटरी का कनेक्टर लगा देते हैं और चेक करेंगे डिस्प्ले को। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर लग चुका है, चलिए ऑन कर लेते हैं।
दोस्तों बैटरी जो है वो लूज कनेक्शन है, जिसके कारण फ़ोन ऑन तो हुआ था लेकिन बंद हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रबर बैंड यूज करेंगे। देख सकते हैं ये रबर बैंड है, इसका यूज करेंगे हम बैटरी को पकड़ बनाने के लिए, जिससे हम फोल्डर को सही तरीके से चेक कर पाए। क्योंकि बैटरी जो है हमारा रिमूव हुआ है, तो उसका पेस्ट जो है वो सूख चुका है, इसके लिए बैटरी इसमें चिपक नहीं रहा है। तो बाद में हम ग्लू लगा के इसे चिपका देंगे, फिलहाल हम रबर बैंड लगा के चेक करेंगे। तो चलिए रबर बैंड हमने लगा दिया है और ऑन करते हैं। देख सकते हैं हमारा फोन जो है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों जब भी हम फोन ओपन करते हैं, खुला हुआ फोन होता है, तो उसमें काफी समय लगता है फोन को ऑन होने में पूरी तरीके से, तो इसमें हमें काफी टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फोन है ऑन हो चुका है। चलिए ब्राइटनेस को चेक करते हैं। ब्राइटनेस दोस्तों हमारा बहुत बढ़िया है और टच भी हमारा बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल टच वर्क कर रहा है। जैसे कई बार हमने डिस्प्ले लगाया है तो वो थोड़ी देर समय लेने के बाद टच काम करता है, या पावर बटन को एक दो बार दबाने के बाद काम करता है, या बीच में रुक रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ओके टच काम कर रहा है। देख सकते हैं और ब्राइटनेस थोड़ा डीप लग रहा है। तो चलिए हम इसे सेटिंग को चेक करते हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर रीडिंग मोड में ब्राइटनेस को लगाते हैं तो उससे भी हमारा ब्राइटनेस जो है कम हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सेटिंग देख लिया है। देख सकते हैं दोस्तों डार्क मोड में है ये फोन, इसके लिए ब्राइटनेस जो है वह बिल्कुल मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो हमने ये डार्क मोड हटा दिया है और देख सकते हैं अब जो ब्राइटनेस है वो तो बिल्कुल क्लीन है। ये देख सकते हैं डार्क मोड हट चुका है, पूरा वाइट हो गया है डिस्प्ले। अब देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल वाइट है, देख सकते हैं ब्राइटनेस। और चलिए अब टच को भी चेक कर लेते हैं, पूरा टच हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी इसे हम पेस्टिंग कर देते हैं। इसके आगे का प्रोसेस दोस्तों आपको पता ही होगा। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।